वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन गिवेन है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या है सिचुएशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो क्या होगा, एंड एक्स प्लस वन। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x and x plus 1 equal to, क्या है क्वेश्चन में, the product of two consecutive positive integers is 306, तो equal to 306। और ये हमने x plus 1 कैसे लिखा, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ये 6 है, 5 है, तो क्या होगा अगला 6, ये 11 है तो अगला क्या होगा 12, 99 है तो क्या होगा 100। ओके, देन इसे हम देख लेते हैं, तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 एंड दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन क्या था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, क्या ये इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके,